आज का लेक्चर नंबर थ्री है चैप्टर नंबर वन है आप लोगों का क्वेश्चन आंसर्स हैं और साथ में एम सी क्यूज एंड फिल इन द ब्लैंक्स हैं क्वेश्चन नंबर वन है आपका सजेस्ट टू वेज टू टेक गुड केयर ऑफ बोन्स हम अपनी बोन्स की केयर कैसे कर सकते हैं वी कैन कीप आवर बॉन्स स्ट्रॉन्ग बाई डूइंग प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज हम बहुत ज़्यादा सारी एक्सरसाइजेज करके अपनी जो हटियाँ हैं उनको मज़बूत बना सकते हैं और सेकेंड है ईटिंग कैल्शियम रिच फूड वो वाला फूड खाना है जिसमें कैल्शियम की अमाउंट ज़्यादा हो कैल्शियम रिच का मतलब है जिसमें कैल्शियम ज़्यादा है वो वाला खाना एंड योगर्ट और दही जो है वो हेल्प टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग बोन्स सुबह के टाइम दही खाना जो है वो आपकी बोन्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग रखता है तो दो तरीके बता दी हैं सबसे पहले जो है वो प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज करनी है आपने बहुत सारी एक्सरसाइजेस करके अपनी बोन्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं एंड सेकेंड वन जो है वो कैल्शियम रिच फूड खाना है वो वाला फूड जिसमें कैल्शियम ज़्यादा है उसके अलावा योगर्ट खाना क्वेश्चन नंबर टू है वट इज़ वलेंट्री मसल्स वलेंट्री मसल्स कौन से होते हैं मसल्स परफॉर्म देयर जॉब विद ऑन थिंकिंग आर वलेंटरी मसल्स वलेंट्री मसल्स वो होती हैं जो कि अपना काम खुद करते हैं मतलब कि वो चीज़ें जो कि हम सोच के करते हैं जैसे वॉकिंग रनिंग यानी कि जब हमारा दिल करता है हम उठ के वॉक करते हैं जब हमारा दिल करता है हम रनिंग करते हैं हम खुद सोच के जो काम किया जा सके वो करने वाले मसल्स जो हैं वो हैं वलेंट्री मसल्स इनवोलेंट्री मसल्स को डिफाइन करना है मसल्स परफॉर्म देयर जॉब विदाउट यू इवन थिंकिंग अबाउट इट इज कॉल्ड इन मसल्स वो वाले वो मसल्स जो कि अपना काम करते हैं कि उनको कहना नहीं पड़ता या उनको बताना नहीं पड़ता उनको कमांड नहीं देनी पड़ती वो बग़ैर सोचे ही अपना काम करते हैं उनको पता होता है कि हमारा ये काम है और हमने ये काम करना है उनको कहना नहीं पड़ता कि आप अपना ये काम कर लें फॉर एग्ज़ाम्पल वर्किंग ऑफ स्टमक जैसे कि हमारा स्टमक हम खाते हैं तो हमारे स्टमक को पता है कि हमें ये हजम करना है कहाँ से कहाँ ले जाना है ठीक है हमें अपने स्टमक को बताना नहीं पड़ता इनवलेंट्री का मतलब होता है गैर इरादी यानी कि हम इरादा करके कोई काम ना करें वो खुद ही हो जाए तो उसे कहते हैं इन उसके बाद हैं आप लोगों के एम सी क्यूज़ हैं मैंने निशान लगा दिए तो आप लोग अपनी नोट उस पर बुक्स पे निशान ये लगा लें तो और साथ में आपका जो है वो समर वर्क उसमें भी आप लोगों ने ये सॉल्व करना है इनको लर्न करना है विच काइंड ऑफ टिश्यूज गिव्स शेप टू द ऑर्गन एंड होल्ड देम इन प्लेस ये हमने पहले भी इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी कि कनेक्टिव टिश्यूज़ जो हैं वो हमारे ऑर्गन्स को शेप देते हैं और उन्हें होल्ड करके रखते हैं सेकेंड वन है कार्डिक मसल्स मेकअप विच ऑर्गन जो कार्डिक मसल्स होते हैं वो कौन सा ऑर्गन बनाते हैं तो कार्डिक मसल्स हमारा हार्ड बनाते हैं वट आर द मसल्स दैट परफॉर्म देयर जॉब्स विदाउट इवन थिंकिंग अबाउट दैम कार्ड जो बगैर सोचे अपना काम करते हैं उनको क्या कहते हैं इन वोलेंट्री मसल्स कहते हैं फोर्थ वन है वट मेक्स आवर बोन्स स्ट्रोंग हमारी बोन्स को क्या चीज़ स्ट्रोंग बनाती है एक्सरसाइज कैल्शियम रिच फूड्स मिल्क ऑल ऑफ देम या ये सारी चीज़ें ये सारी चीज़ें ही हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं आल ऑफ दम माना इसका द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडीज़ इन द जो हमारी सबसे छोटी हड्डी है हमारी बॉडी की वो कहाँ पे होती है वो हमारे ईयर में होती है तो डी ऑप्शन है इसका नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स आ गई हैं बोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ आर डैश तो बोन्स जो हैं वो सारी कनेक्टिव टिश्यूज़ की एग्जाम्पल हैं जितनी भी बोन्स हैं वो सारी कनेक्टिव टिश्यूज़ की एग्जांपल है डैश मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स व्हेन पंपिंग ब्लड अराउंड द बॉडी हमें पता है कि हमारे कौन कौन से मसल्स जो हैं वो बॉडी बॉडी में ब्लड को पंप करते हैं तो हार्ट जो है वो ब्लड uh, को पंप करता है. तो है, है और हार्ट कौन से मसल से मिल मिल के बना है कार्डिक मसल से तो इसमें सेकेंड वाली ब्लैंक्स में कार्डिक आना है आ प्लेस इन वट ए ब्रेड्स बॉडी वेयर टू और मोर बोन्स मीट इज आ जॉइंट एक किसी भी वटेब्रेड वटेब्रेड क्या होता है जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है उनको वटेब्रिड बोलते हैं किसी भी वटेब्रेड की बॉडी में दो या दो से ज़्यादा बोन्स जहाँ मिलती हैं उसको कहते हैं जॉइंट द टिश्यू दैट टू बोन्स इज दू एज अ डैश वो वाला टिश्यू जो कि दोनों बोन्स को जोड़ के रखता है उसे कहते हैं लिगामेंट द जॉइंट विच मूव्स अ पार्ट ऑफ आवर बॉडी इन वन डायरेक्शन ओनली इज नोन एज इन जॉइंट वो वाला जॉइंट जो हमारी बॉडी को सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव करता है जैसे हिंज जॉइंट बोलते हैं द जॉइंट दैट कैन मूव अ पार्ट ऑफ आवर बॉडी इन अ सर्कुलर डायरेक्शन इज नोन एज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोलते हैं जो हर डायरेक्शन में मूव करे उसे कहते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट द स्टमक इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डैश मसल्स स्मूथ मसल्स जो हैं वो बनाते हैं हमारा स्टमक तो इसमें स्मूथ है ना द मेस्कुलर सिस्टम वर्क्स विद द डैश सिस्टम टू हेल्प यू मूव हमारा जो है वो सिस्टम स्केलेटल इसमें स्केल्टल है स्केलेटल सिस्टम अकेला मूव अकेला काम नहीं कर सकता इसको वर्क करने के लिए मस्कुलर सिस्टम की ज़रूरत होती है डैश मसल्स मेक अप दी इंटरनल हॉलो ऑर्गन ऑन ऑफ द इन द बॉडी बॉडी में जो अंदरूनी खाली ऑर्गन जो हैं वो कौन बनाता है वो हमारे स्मूथ मसल्स बनाते हैं ठीक है स्टूडेंट ये आप लोगों का हो गया द ब्लैंक्स हो गए हैं उसके बाद है आप लोगों का टास्क जो है वो ये है आपने क्वेश्चन आंसर्स को लर्न प्लस राइट करना है एम सी क्यूज़ आप लोगों ने लर्न करने हैं और अपने समर वर्क पे इनको सॉल्व करना है और द ब्लैंक्स भी आप लोगों ने लर्न भी करने हैं और इनको अपने होम उस पर समर पैक पे सॉल्व करना है थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज़